हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पारामाउंट। आज के वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास टेंथ का चैप्टर टू पॉलिनोमियल्स, उसी का ही एक केस स्टडी दिया है, जिसमें दिया गया है डिफरेंट टाइप का आसनों के बारे में। योगा में रहता है एक आसन, जैसे त्रिकोणासन हो गया, अधोमुखा शवासन या फिर अधोमुखासन। इसमें दिया है एन आसनो इज ए बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल ए जनरल टर्म फॉर ए सिटिंग मेडिटेशन पोज एंड लेटर एक्सटेंडेड इन हठ योगा एंड मॉडर्न योगा एच एक्सरसाइज टू एनी टाइप ऑफ पोज एंड पोजिशन। मतलब ये ज़्यादातर आसनों के बारे में दिया है, जो कि योगा में ज़्यादातर आता है। तो उसी को लेके ये बोला गया है कि ये जो तीन फिगर दिया है, इसमें ये वाला फिगर शेप हो गया, या फिर ये वाला शेप हो गया, या फिर ये वाला शेप जो हो गया, इसमें बोला है कि ये एक बैलेंसिंग पोज है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को। तो इसीलिए हमारा केस स्टडी में दिया है, तो हम इसी को चलते देखेंगे कि कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन दिया है और उसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ पोज शोन एज, जो पोज शो कर रहा है वो कौन सा होगा। ऑप्शन वन में दिया है स्पायरल। स्पायरल मतलब होता है ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर में रहता है, या फिर अंदर से ऐसे घूम घूम के बाहर की तरफ जाता है। एलिप्स का मतलब ऐसे एक स्पियर टाइप का ही रहता है। लीनियर बोलने से एक लाइन रहता है, और पैराबोला बोलने से ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर की तरफ रहता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा पैराबोलिक शेप और ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड इफ, डाउनवर्ड को ओपन होगा मतलब नीचे की तरफ ऐसे ओपन होगा। कब ऐसे हो सकता है, जब ए का वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ए का वैल्यू ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है ऐसे ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। इधर बोला है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बोला है मतलब ए का वैल्यू लेस देन जीरो होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, एच लेस देन जीरो। तो इधर बोला होता कि ये जो डाउनवर्ड की जगह पे अगर अपवर्ड बोला होता, डाउनवर्ड की जगह पे अगर अपवर्ड बोला होता तो फिर उसका हो जाता वैल्यू ए इज ग्रेटर देन जीरो हो जाता। डाउनवर्ड में ए इज लेस देन जीरो और अपवर्ड में हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज लेस देन जीरो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलीनोमियल। ये ग्राफ में जीरो कितना है, जीरो हम लोग देखें कि जहाँ पे भी एक्स एक्सिस को वो टच करता है उस पॉइंट को हम लोग जीरो बोलते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा दो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द टू जीरोज आर, दोनों जीरो जो हैं वो कौन कौन सा है बोला है। तो इसमें दिख रहा है वैसे एक टू पॉइंट, माइनस टू पॉइंट में है, एक फोर पॉइंट में। तो हमारा जो दो आंसर हो जाएगा वो एक माइनस टू और एक फोर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, माइनस टू एंड फोर। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन दिया है, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल का जीरो कितना है। हम क्या करेंगे, इसको पहले मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। तो ये फोर इंटू रूट थ्री इंटू टू इंटू रूट थ्री, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से 24, और इधर माइनस है तो ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है, जिसको प्लस या फिर माइनस करने से 5 होगा, मल्टीप्लाई करने से 24 होगा। तो अगर हम लोग उसका फैक्टर निकालेंगे तो देखेंगे 8 3 = 24 हो रहा है, और 8 को माइनस थ्री के साथ अगर प्लस कर रहे हैं तो वो जीरो हो जा रहा है। तो एक फैक्टर हो जाएगा 8, एक हो जाएगा माइनस थ्री। तो हम इसको लिख सकते हैं 4√3, ऐसे 4√3 एक्स स्क्वायर, इधर प्लस 8x माइनस 3x, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। तो पहला दोनों में से कॉमन जाएगा 4x, तो हो जाएगा √3x प्लस 2, और माइनस √3 कॉमन जाने से हो जाएगा √3x प्लस 2। तो ये दोनों में से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो पहला केस में हो जाएगा √3 माइनस है, उधर जाने से प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया √3/4। और एक ऑप्शन में अगर √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हो जाएगा -2/√3। तो हमारा जो आंसर है, एक √3/4 और एक है -2√3 -2/√3। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो अगर हम लोग इस को सॉल्व करेंगे, अच्छे से फैक्टराइज करेंगे तो निकलेगा -2/√3 और एक हो गया √3/4। तो ये था कुछ जो हमारा जो केस स्टडी था इसका सॉल्यूशंस। तो अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।